वो दोस्त जिनसे हर रोज़ मिला करते थे, अब वो अपनी दुनिया में व्यस्त हो गए हैं। वो भाई जिनके साथ एक ही थाली में खाना खाना होता था, आज वो अपने परिवार में, अपने कामकाज में व्यस्त हो गए हैं। वो पारिवारिक जन जो प्रत्येक गर्मी की छुट्टियों में घर आया करते थे, शादी समारोह में 3 से 4 दिन तक उनके साथ में सारा हो हल्ला रहता था, अब वो भी दूर बस गए हैं। इतनी बातचीत नहीं हो पाती। फैमिली के ग्रुप्स तो बने हुए हैं, डिस्कशंस तो होते हैं, ग्रीटिंग्स एक्सचेंज हो जाती है, परंतु वो बात नहीं रही। धीरे धीरे व्यक्ति वो बात नहीं रही को इतना गहरे से अपना लेता है, जो संबंध अपनेपन की गहराइयों के साथ में है वो स्वतः ही दूर होने लगते हैं। अगला हमें अलग समझने लगा है मतलब उससे नहीं है, हम अगले को अलग नहीं समझते, सारे ही मतलब वहाँ से हैं। जब वो परिभाषा आदर मान के साथ जीवन की यात्रा में भीतर तक निकल कर आती है तो व्यक्ति एक अलग मजबूती महसूस करता है, और जैसे ही स्थितियों को अलग अलग देखने लगता है वहीं से दुविधाओं की शुरुआत होने लगती है। एक ऑर्गेनाइजेशन में 10 वर्ष तक रहे इसलिए संबंध बने, नई ऑर्गेनाइजेशन की अप्रोच की ओर बढ़ रहे हैं, वहाँ पर समय लगेगा, परंतु ये लगता है कि न कोई मित्र बनने जैसा है, सारे ही लोग विद्रोही हैं, हमारी क्षमताओं का परिचय लेना चाह रहे हैं, कोई आंख तरेर कर देख भी ले, कोई बात नहीं करे तो लगने लगता है कि ये षड्यंत्रकारी स्थितियों को तो निर्मित नहीं करेगा। इसे पशुपेश के साथ में जीवन यात्रा चलने लगती है, दुविधाएं देने लगती है। हमारा नज़रिया क्या है? महत्वपूर्ण वो है, चंद्रमा 12 ही भावों में जिस भावस्थ क्रम के साथ में है, व्यक्ति उस भाव के साथ अपनी सहृदयता के चरमोत्कर्ष को लिए होता है, और चंद्रमा की 7वीं दृष्टि जिस भाव पर है उस भाव के साथ भी चंद्रमा की जो स्थितियां हैं वो यही बताती है कि अपनत्व का जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सिरा है वो उस भाव के साथ में निकल कर आता है। परंतु जब व्यक्ति समग्र तौर पर उतनी परिपक्वता में होता है कि इस छोटी सी जीवन यात्रा के साथ में अपने पराए लड़ाई झगड़ों के संबंधों में विच्छेदन के या 10 दिन के मन मुटाव के कोई भी गैप नहीं है, वो मनाएगा तो हम मानेंगे, वो आएगा तो हम जाएंगे, उसके बाद में देखेंगे, यानी गफलतों के साथ में उलझा हुआ जीवन न जाने कौन से अहम को संतुष्ट करने का प्रयत्न करता है। जो मित्र आज से 20 वर्ष पूर्व कोई भी मजाक कर लिया करते थे, आज वो मिलते हैं तो उन्हें ये सोचना पड़ता है कि तुम कहें या आप कहें। ये जो कहीं ना कहीं स्थितियाँ अलग थलग करके सामने आती है, व्यक्ति को संभालना इसको ही पड़ता है। उस संबंध के साथ में शुरुआत तुम कहने की पुनः व्यक्ति विशेष को करनी पड़ती है, जिससे उसे लगे कि नहीं, वो ही रिश्ता है, वो ही संबंध है, इसमें से रसा कुछ भी नहीं है। इसी वजह से जब व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना के साथ में होता है, 12 ही भावों में 9वें भावस्थ क्रम को जब बहुत गहराई से देखता है तो ये अवस्था स्पष्ट तौर पर उसके साथ में निकल कर आती है कि हाँ, परिभाषाएँ वही है जो पहले थी, उसमें कोई भी सिरे का अंतर प्रतिध्वनित नहीं हुआ है। आज के इस कार्यक्रम के बाद अपने संबंधों के बारे में, अपने आसपास के वातावरण के बारे में एक नज़र घुमाकर देखिएगा, कौन कौन सा व्यक्ति किस सिरे के साथ में जीवन में हताशा के क्षणों में संघर्षों के क्रम में खड़ा था। बस आज कोई मन मुटाव भी है तो उसको हटाकर बस वो संस्मरण सामने रख लें, सारी गफलतें दूर हटने लगती हैं। इन सारी चर्चाओं के बाद हमेशा की तरह है 20 जुलाई 2024 का दैनिक राशिफल हम यहाँ लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा धनु राशि स्थान में, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र स्थितियाँ शनिवार है तो वहीं आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। दैनिक राशिफल की शुरुआत हमेशा की तरह है मेष राशि के साथ में। 9वें भावस्थ चंद्रमा नौकरी पेशा जीवन में 6 डेज अ वीक के साथ चलते हुए महानुभावों के लिए आज का क्रम भागदौड़ के साथ व्यवस्थित आयाम लेकर आ रहा है। वहीं पुरुषार्थ में प्रखर वृद्धि के क्रम आपके लिए संचालित होते चले जा रहे हैं।
यात्राओं से संबंधित कामकाज में आपके लिए तीव्रगामिता बढ़ती चली जा रही है। किसी व्यक्ति विशेष के साथ लंबे समय से मन मुटाव के क्रम बने हुए थे, वो भी पुनश्चय हटने की पूरी पूरी तैयारी करते चले जा रहे हैं। ये स्पष्टता बनाकर रखिएगा। इस दिवस विशेष में आपसे निवेदन है कि आप हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए किसी भी प्रोस्पेक्ट के साथ में खुद को एवॉल्विंग पर्पस देना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी अपनी तीव्रता को अपना कर रखने की कोशिश आप करते चले जाइएगा। फाइनेंशियल बर्डन आज बढ़ाने से बचें। भार मुक्त होकर चलते हुई यात्रा मन को अद्भुत संतुष्टि देने वाली हो सकती है। विदेश संबंधी कार्यों में जद्दोजहद के बाद में वृद्धि के अनुमानित क्रम यहाँ सामने नजर आने वाले हो जाते हैं। वृषभ राशि, देखिए रिसर्च संबंधी कामकाज में अटमोस्ट पॉजिटिविटी के मेजर्स आप स्टेबलाइज करके आगे बढ़ रहे हैं। कम्युनिकेशन में रिएक्शन लेस होकर चलने की आप कोशिश करते चले जाइएगा। किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में वैचारिक विद्रोह रहे हैं, तो उनको भी संभालने की पूरी पूरी आवश्यकताएं आपके लिए आज रहेंगी। इच्छा शक्ति प्रभावी क्रम में आपके साथ साथ में गतिमान है, तो वहीं पर दांतों से संबंधित तकलीफ़ों से सावधानी बरतकर बढ़ने का प्रयत्न करना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहेगा। भूमि संबंधित निवेश की तरफ जाने की स्थितियों के साथ में पुनश्चय एक बार आप विचार करके ही बढ़ते हैं तो ज़्यादा बेहतरी। इस दिवस विशेष में शत्रु पक्ष कुछ हद तक हावी होने का प्रयत्न कर सकते हैं। मिथुन राशि, देखिए सप्तम भावस्थ है चंद्रमा, तो व्यापारिक जीवन के साथ में अनुमानित तौर पर आपके लिए वृद्धि है। अधिक समय आपको कार्यक्षेत्र में बिताना पड़ सकता है, उसकी तैयारी करके चलें। गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल जितनी गहराई से आप बनाकर रखेंगे, उतनी ही ये यात्रा आपके लिए बेटरमेंट की प्रोस्पेक्ट्स को इवॉल्व करती चली जाती है। सिचुएशनल बेसिस पर अवेयर रहने की रिक्वायरमेंट है। यहाँ संतान पक्ष की ओर से सुखद खबरें आपका इंतज़ार कर रही हैं, जो अटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेसिस को स्टेबलाइज करके आपकी जर्नी को और तेज़ी के साथ में आगे की ओर इवॉल्व करती चली जाती है। बुध प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल की स्थितियों को बनाकर रखिएगा। ये वो अंतराल है जहाँ पर आपको अपने साथ में कुछ स्थितियों को मैनेज करने की रिक्वायरमेंट हो सकती है। सरकमस्टांसेस जब स्टिफनेस लेकर आती है, तो उसको संभालना व्यक्ति विशेष के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इस दिवस की यही महत्वपूर्ण परिभाषा अपने साथ आप रखिएगा। कर्क राशि, सर्वप्रथम तो स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी हद तक सजग रहें। कोई मेडिकेशन चल रहा है तो उसमें भी लापरवाही बरतने से बचें। कहीं से भी कोई पेनफुल अप्रोच सामने है तो उसके भी प्रॉपर ट्रीटमेंट की ओर जाने की रिक्वायरमेंट आपके लिए रहेगी। जज्बाती होकर निर्णय लेने से आप बचिएगा। कम्युनिकेशन में जितना रिएक्शन लेस आप रहेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी आपके लिए यहाँ पर फ्रेम होती चली जाती है। चंद्रमा प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि इस दिवस विशेष में निर्णायक मौक़ों पर स्वयं को आप नकारात्मकता भरी स्थितियों से पूर्णतया बचाकर चलने का प्रयत्न करते चले जाएं। और वहीं ये स्पष्टता रखिएगा कि ये दिवस विशेष आपके लिए महत्वपूर्ण तौर पर आगे के लिए कुछ ऐसे संकेतों को लेकर आ रहा है जिसको समझने की ज़रूरत रहेगी, या फिर बुनियादी तौर पर संघर्षों के मध्य कामयाबी किसे रहे उसको आप अपने रिफ्लेक्शन में बहुत क्लैरिटी से लेकर चलते चले जाएं तो बेहतरी। सिंह राशि, पंचम भावस्थ चंद्रमा, यहाँ भागदौड़ है परंतु उसके भीतर भी संतुष्टि है। संतान पक्ष के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ख्याल रखें। आध्यात्मिक तौर पर जिस प्रगति के प्रतिबिंब को आप जीवन यात्रा में लेकर चलना चाहते हैं, उसका एक एक सिरेबद्ध क्रम आपके साथ इस यात्रा में मौजूद है और आपको प्रखर संतुष्टि के आयाम देता चला जा रहा है। इसमें कोई भी और नकारात्मकता भरे भाव इंगित और अंकित नहीं है, तो वहीं पर इंट्यूशंस की पॉजिटिविटी आपके साथ में है। विद्यार्थी वर्ग एक तरह से अलग सिरे की एकाग्रता को अपने साथ में लेकर चल रहे हैं। मन के भीतर किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए बहुत अधिक नकारात्मकता रख कर चलने से आप बचने की कोशिश कीजिएगा। तो वहीं पर जो आप यहाँ भूमि संबंधित किसी भी निर्णय को अपने साथ में आत्मसात करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसकी भी तत्पर तैयारी करके रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी। कन्या राशि, हृदय संबंधी रोगों से सावधानी बरतें।
खुद को जितना मैनेज करके आप चलेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी आज है। जिस कार्य को जिस गतिशीलता के साथ में जिस तरह से पूरा करना है उसका एक एक भाव भीतर तक यदि निक्षेपित होकर आगे बढ़ता है तो आपके लिए यहाँ पर एक अत्यधिक सकारात्मक व्यवस्था के क्रम सामने निकल कर आ सकते हैं। स्वयं के भीतर की स्थितियों का बोध बहुत अधिक अलग स्तर पर बनाकर रखिएगा, यानी कि हम जो महसूस कर रहे हैं उसे अपने भीतर ही अभी तक और परिपक्व होने दें। ये मूलभूत प्रकृति स्मृतियों में रखें तो वहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई गफलतें और चिंताएँ अब दूर हटने की ओर है। किसी भी बड़े निर्णय की ओर जल्दबाजी के साथ आपको चलने से पूर्णतया बचने का प्रयत्न करते चले जाना चाहिए। तुला राशि, पुरुषार्थ के साथ में वृद्धि है, भाग्य का सहयोग बना हुआ है, हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए पर्पसफुल अप्रोच के साथ में अटमोस्ट पॉजिटिविटी है। वहीं पर जो इस दिवस में भाइयों और दोस्तों के साथ आप किसी भी कामकाज के साथ बड़े निर्णय की स्थितियों को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, कामकाज अलग करना है या जोड़कर और गहराई के साथ में बढ़ना है, कितनी मनी इन्फ्यूज़न के साथ में चलना है, फंक्शनल बेसिस पर ये क्रिस्टल क्लियर अप्रोच आपके साथ में बनी रहे ये कोशिश आप करते चले जाइएगा और यही भाव भीतर तक संप्रेषित करके रखने की पूरी पूरी आपके लिए आवश्यकताएँ यहाँ पर हैं। तो वहीं क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक के साथ में अटमोस्ट डेवलपमेंट के बेसिस को आप अपने साथ में देखते चले जा रहे हैं। गृहस्थ पक्ष के साथ संवाद कौशल की स्थितियों को जितनी गहराई से आप बनाकर चलते हैं उतनी ही पॉजिटिविटी आपके रिवॉल्व होती चली जाती है। वृश्चिक राशि, धनागमन के साथ में वृद्धि है, पारिवारिक जनों का सहयोग भरपूर सिरे के साथ में बना हुआ है, रिसर्च संबंधी कामकाज में अटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेसिस को आप अपने साथ स्टेबलाइज करके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। रक्त संबंधी विकारों से पूर्णतया सावधान रहकर चलने की आप कोशिश करते चले जाइएगा। यहाँ पर आपके लिए एनालिसिस को रिलेट करती हुई वर्किंग पोजीशंस अटमोस्टली पॉजिटिव कही जाएगी और इस धारणा को भी अपने साथ बनाकर रखने की कोशिश करें कि किसी व्यक्ति विशेष के प्रति लंबे समय से गफलत थी, दुविधाओं के क्रम थे, उससे हटकर आप अपनी जीवन यात्रा को देखने वाले होंगे। कोई इंटरव्यू है, किसी व्यक्ति विशेष के साथ में मुलाकात है, हनुमंत उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत हो तो उसे अत्यधिक व्यवस्थित क्रम कहा जाएगा, जिसमें कोई भी और नकारात्मकता का बोध आपके साथ में संप्रेषित नहीं है। ये स्पेसिफिक क्लैरिटी बनाकर आप जरूर रखें। धनुराशि, यहाँ आत्मविश्वास के साथ में वृद्धि, गृहस्थ पक्ष के साथ में सामंजस्यपूर्ण क्रम यहाँ निरंतर चलते हुए, अपने रूटीन के साथ में जितना फ्लेक्सिबल आप रहेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी को क्यूमुलेशन में आप डिफाइन करते चले जाएंगे। किसी भी व्यक्ति विशेष से लंबे समय से मनमुटाव की प्रक्रिया सामने रही है तो वहाँ पर भी हम जितना स्थिरगामी होकर अपनी यात्रा को आगे की ओर देखते हैं उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स यहाँ इवॉल्व करते चले जाते हैं। ये सहृदयता का भाव अपने भीतर तक बहुत गहराई से आप बनाकर रखने की कोशिश करते चले जाइएगा। और वहीं एक प्रमुख निवेदन आपसे ये भी है कि ये दिवस विशेष कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों से आपके लिए एक डिटैचमेंट के प्रोसेस को मांग रहा है। बहुत अधिक स्तर पर किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में आप उन भावों को लेकर नहीं चलें जो सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता के स्तर निक्षेपित करने वाले हो जाते हैं। तो वहीं बढ़ते हैं मकर राशि की ओर। खर्चों पर नियंत्रण रखने की पूरी पूरी कोशिश कीजिएगा। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में वृद्धि के शानदार क्रमबद्ध सिरे आपके लिए बने हुए हैं। इस समय विशेष के साथ में चलते हुए मनमुटाव जैसी स्थितियों से पूर्णतया बचकर चलने की कोशिश करें। लोगों से आप नौकरी पेशा जीवन में 6 days a week के साथ में चलते हैं, लोग कहीं ना कहीं जल्दी निकल चुके हैं, अपने काम काज को फारिग नहीं किया है, परंतु आप पूरे सिरे के साथ में जुड़े हुए हैं कि अपने कार्य की पूर्णता के साथ में ही अपने हस्तक्षेप को आगे बढ़ाकर आगे की यात्रा को तय करने वाले होंगे। इस प्रभावी स्तर को अपने भीतर तक जगह देकर रखने की आपको पूरी पूरी ज़रूरत रहने वाली होगी। ये क्रिस्टल क्लियर बेसिस लेकर चलें। तो वहीं निवेदन है आपसे कि जो आध्यात्मिकता का परिप्रेक्ष्य भीतर तक पनपता चला जा रहा है उसमें और गहराई के साथ जुड़कर आगे बढ़ने की ज़रूरत आपके लिए रहेगी। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, सर्वांगीण लाभ में वृद्धि है, इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ साथ गतिमान है,
मन किसी भी बात को लेकर लंबे समय से भयाक्रांत था, तो उस भय के स्तर से भी हटकर आप अपनी जीवन यात्रा को आगे की ओर देखते चले जा रहे हैं। यहाँ जो भी महानुभाव किसी बड़े डिसीजन को अपने साथ में इवॉल्व करना चाहते हैं, उनके लिए भी अटमोस्ट पॉजिटिविटी के मेजर्स साथ साथ चलने की अप्रोच में है। ये स्पष्टता रखने की ज़रूरत है कि आप एकांत में कुछ समय ज़रूर बिताने वाले हों। सारे ही कोलाहल से दूर हटकर जब व्यक्ति मन के भीतर के तम को पहचान कर एक तरह से अपनी जीवन यात्रा को आगे देखता है, तो स्पष्ट रूपेण अपनी गतिशीलता को प्रभावी क्रम देता चला जाता है। ये भाव अपने भीतर तक बहुत गहराई से रखकर चलने की आप कोशिश कीजिएगा, तो वहीं पर संतान पक्ष और गृहस्थ पक्ष के साथ में ही चर्चा करके बड़े निर्णय की स्थितियों को लेना हितगामी। मीन राशि, आज के दिवस विशेष में अत्यधिक खर्चों की स्थितियों से स्वयं को संभाल कर चलें। मानसिक सुख के साथ में वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे आपके लिए बने हुए हैं। किसी भी बात को लेकर मन में पश्चाताप रहा है, उसको हटाकर जीवन यात्रा को देखने की आकांक्षाओं के बोध को अपने भीतर तक बनाकर रखने की आप कोशिश कीजिएगा। सिचुएशनल बेसिस पर जितना आप अवेयर हैं, उतनी ही पॉजिटिविटी आपके लिए यहाँ इवॉल्व होती चली जाती है। गुरु प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि आप आज किसी भी निर्णय में बहुत अधिक जल्दबाजी के क्रम को अपने साथ रख कर चलने से बचिएगा। जितना तारतम्य में सकारात्मकता हम लेकर चलने वाले होंगे, उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स इवॉल्व होते चले जाते हैं। बस यही भाव अपने भीतर तक बनाकर रखने की पूरी पूरी ज़रूरत आपके लिए रहेगी। तो ये था 20 जुलाई 2024 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।